Guys, I love India. That's why today I'm going to react on a video and the title name is Top 10 Most Beautiful State in India. Super excited and all credit goes to Deshi Facts. So, original video link in description. Please go and visit and subscribe our YouTube channel. Please. And guys, if you need, please subscribe my YouTube channel and subscribe my second blog YouTube channel link in description. So, let's start it. Let's start it. एंड जॉय श्री राम प्लीज दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम जानने वाले हैं भारत की 10 सबसे खूबसूरत राज्य के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, वैसे तो हमारे इंडिया की सभी राज्य बहुत ही खूबसूरत है, पर हमारी इंडिया दुनिया की उन देशों में आते हैं जहाँ के लोग दिल से भी बहुत खूबसूरत माने जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी खूबसूरत राज्य के बारे में बताने वाला हूँ जिसे भारत की मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट्स माना जाता है। दोस्तों, ये स्टेट्स की रैंकिंग 2014 से लेकर 22 तक होने वाले सभी सर्वे से निकले गए हैं। फिर भी मैं यही कहूँगा कि हमारे सभी स्टेट्स बहुत ही खूबसूरत है। तो दोस्तों, इस खूबसूरत राज्य की लिस्ट में नंबर 10 पर आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का राजधानी कोलकाता भारत की संस्कृत राजधानी महलों का घर है, जिसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। पूरे शहर में मौजूद समृद्ध महंगे और विस्तृत मकान ने कोलकाता को ऐसी प्रतिष्ठा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शहर की जीवन संस्कृति में एक उच्च विकसित कला, फिल्म और थिएटर परिदृश्य भी शामिल है। 300 साल से भी ज्यादा पुराना शहर है कोलकाता। ये शहर अपने इतिहास, कल्चर और विरासत को संभालते हुए आज की मॉडर्न टेक्निक को अपनाते हुए इंडिया में सबसे विकसित करने वाला शहर में से एक है। नंबर 9 पर आते हैं एक और खूबसूरत राज्य कर्नाटक। कर्नाटक को जो सबसे विविध परिदृश्य का घर है, जिसमें सफेद झरने, दूसरा ही पहाड़ियाँ, हरे भरे जंगल, महल और ऐतिहासिक खंडन भी शामिल है। मशहूर महल वाला शहर और गोकर्ण एक ऐसा स्थल है जहाँ यात्रियों को सबसे प्राचीन समुद्र तट मिल सकते हैं। भारत की सिलिकॉन सिटी और गार्डन सिटी के नाम से मशहूर बंगलौर को भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी कहते हैं। आधुनिकता के साथ साथ ये शहर दक्षिण भारतीय प्राचीन सभ्यता को समेटे हुए है। ये बहुत ही खूबसूरत और साफ सुथरे शहरों में गिना जाता है। नंबर 8 पर आता है पृथ्वी का जन्नत जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भाई की गोद में बसा कश्मीर अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में एक खास मुकाम रखता है। पृथ्वी का सर कहने वाला कश्मीर भारत के लिए हीरा है जो मौसम के साथ साथ अपना रंग बदलता रहता है। कहीं बर्फ से ढका हुआ बर्फीला शहर तो कहीं खूबसूरत घाटियां, कश्मीर के शानदार नजारे पर्यटकों के लिए सच में किसी स्वर्ग जैसा है। इस राज्य की खूबसूरती के अलावा यहाँ की संस्कृति और यहाँ के लोग भी दुनिया को आकर्षित करते हैं। कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, जो झेलम नदी के दोनों ओर फैला हुआ है। कश्मीर घाटी के मध्य में बसा श्रीनगर भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। ये शहर अपने शानदार झीलें और विभिन्न मंदिरों के लिए विशेष रूप से यहाँ का मुगल गार्डन, सफरन फील्ड, सनमार्क आदि आकर्षक इलाका है। कहा जाता है धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो है कश्मीर में। हमारे इस लिस्ट की नंबर 7 पर है गुजरात। भारत की पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात एक बहुत ही सुंदर और लुभावना राज्य है। गुजरात जहाँ एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान और वही दूसरी तरफ है हिंद महासागर का नीला पानी। गुजरात जो कि शेरों और महापुरुषों का जन्मभूमि है, जहाँ पर महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों का जन्म हुआ है। प्राचीन समय से ही गुजरात का एक अलग ही इतिहास रहा है। गुजरात का इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है। इसकी समृद्ध संस्कृति, इतिहास और इसकी पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। गुजरात में आपको आधुनिक परिवेश और सदियों पुराने परंपराओं का सुखद मिल देखने को मिलेगा। यहाँ कई प्रकार के संग्रहालय, मंदिर और कई रोचक जगहें दूर दूर के सैलानियों को अपने तरफ आकर्षित करते हैं।
नंबर सिक्स पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत में सुंदर वस्तु शिल्प का नमूना उत्तर प्रदेश में पाया जाते हैं। यह शिल्प उदाहरण ताजमहल आगरा में स्थित है, साथ में गंगा नदी के किनारे स्थित बनारस आध्यात्मिक मुक्ति के केंद्र है और ये भारत का सबसे प्राचीन शहर है। उत्तर प्रदेश सुंदर राज्यों में से एक और इसे प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक और स्थापित भारतीय स्थलों का घर माना जाता है। ताजमहल और बनारस के अलावा सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक अयोध्या भारत के सबसे पवित्रतम शहरों में से एक है। उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद में स्थित है। आगरा शहर जो कि बादशाहों की पसंदीदा राजधानी रहा है, यह का मुख्य आकर्षण यमुना नदी के किनारे बसा ताजमहल है, जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनाया था। प्रेम के प्रतीक बनाया गया इस स्मारक को देखने देश विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं। इसके अलावा लाल किला, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा, मेहता बाग, पंच महल, मदी मस्जिद, शाहपुर आदि आकर्षण के बड़े केंद्र हैं। नंबर पाँच पर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन उद्योग को उच्च प्राथमिकता दी गई है। राज्य में तीर्थ और मानव शास्त्रीय महत्व स्थलों का समृद्ध एवं अलग भंडार है। हिमाचल प्रदेश को देवताओं की भूमि भी कहा जाता है। बर्फ से ढके हिमालय की पहाड़ियों का घर है हिमाचल प्रदेश, जो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। हिमालय पर्वत के गोद में बसे होने कारण इसे हिमाचल प्रदेश कहते हैं। ये अपने आश्चर्यजनक हिमालय, प्राकृतिक भरे दृश्य और लुभावने हिल स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। धर्मशाला, मनाली और कुल्लू इस पहाड़ी राज्य के प्रसिद्ध दर्शन स्थल है, जहाँ प्राचीन प्राकृतिक सुंदरता दिखाई देती है। हिमालय की तेजस्वी चोटियों पर छाई बर्फ और झीलें मंत्रमुग्ध कर देती है, जो पर्यटकों को बहुत ही आकर्षित करते हैं। नंबर चार पर है उत्तराखंड। उत्तराखंड देश की उन चुनिंदा जगहों में से आते हैं जिसे प्रकृति ने खूब प्राकृतिक सौंदर्य से नवाजा है। उत्तराखंड को देवभूमि या भगवान की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि ये जगह कई धार्मिक स्थलों और पूजन स्थलों का घर है। ये भूमि शिव भूमि है और ये माता पार्वती का जन्म स्थान है। केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ, इसके साथ ही यह हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे कई पवित्र तीर्थ स्थल है। नैनीताल, मशहूरी, मुक्तेश्वर और चामुली जैसे भारत के लगभग सभी स्टेशन उत्तराखंड में ही है, जो हरियाली, बर्फ की चादर ओढ़े चोटियों और रंग बिरंगे फूलों से भरे हुए हैं। नंबर थ्री पर है गोवा। गोवा अपने सुंदर समुद्र तटों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये भारत की सबसे छोटी राज्य में से एक है, लेकिन इस पुराने राज्य की संस्कृति बहुत ही विशेष है। गोवा में आप हिंदू मंदिरों, पुर्तकालीन चर्च और आश्चर्यजनक वन्य जीव अभयारण्य को देख सकते हैं। समुद्र के किनारे बसे खूबसूरत राज्य गोवा को भारत का मिनी यूरोप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर यूरोपियन संस्कृति के लोग रहते हैं। प्रसिद्ध समुद्र बीच अगोड़ा तथा कॉम्बिनेशन के साथ टूथ सागर झरने का अपना अलग ही अंदाज है। देश की सारे संस्कृतियों को समेटे हुए इस शहर में मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों के साथ और भी कई धर्म के पूजा स्थल हैं। नंबर दो पर है राजस्थान। राजस्थान जिसे राजाओं की भूमि के रूप में जाना जाता है, राजस्थान योद्धाओं, रोमांस और महिमाओं की कहानियों से भरा एक सुंदर राज्य है। ये राज्य परंपराओं और संस्कृति में समृद्ध है, लेकिन ये आश्चर्यजनक रेगिस्तान सफारी, लुभावने वन्य जीव और जंगलों का घर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर देश की पर्यटन स्थलों में अपने प्राचीन तथा अद्भुत मध्यकालीन किलों, कला, झीलों तथा महलों के कारण दूसरे स्तर पर आते हैं। भारत का पेरिस कहने वाला इसे भारत की खूबसूरत शहर को देश का पहला सुनियोजित शहर होने का दर्जा प्राप्त है।
यहाँ के पर्यटन स्थलों में नाहरगढ़ किला, जयगढ़ किला जैसा विश्व के सबसे बड़ी टॉप है। पानी के बीचों बीच बना जल महल, हवा महल, चिटी पैलेस, भगवा आमिर किला, शिमला माता मंदिर आदि प्रमुख है। हमारे इस खूबसूरत राज्य की लिस्ट में नंबर वन पर है केरला। yes, राज्य है जिसका नाम भारत के शिक्षित राज्य की गिनती में सबसे ऊपर आते हैं। केरल के मोहित कर देने वाले सुंदरता हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में पश्चिमी घाट और आपस में जुड़ी 44 नदी वाले इस राज्य में ऐसी अनेक भौगोलिक विशेषताएं हैं जिनके कारण ये एशिया का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बना है। भगवान की देश के रूप में संदर्भित केरल सबसे खूबसूरत राज्य में से एक है। यहाँ लुभावनी पहाड़िया, झरने, ऐतिहासिक स्थल, दो राष्ट्रीय उद्यान और 12 खूबसूरत वन्य जीव अभयारण्य है। केरल के तटवर्ती शहर कोची को अरब सागर की रानी कहा जाते हैं। अपने स्वादिष्ट मसालेदार भोजन और नारियल की पेड़ों के कारण प्रसिद्ध कोची भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। तो दोस्तों यही था भारत की 10 सबसे खूबसूरत राज्य के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अच्छा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप भारत के कौन से स्टेट में रहते हैं कमेंट करके जरूर बताना। सो बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम। तो गाइस आमी প্রত্যেক স্টেটসগুলো অনেক সুন্দর। আর বেসিক্যালি যখন আমি বলি যে হচ্ছে ইন্ডিয়া মোস্ট বিউটিফুল কান্ট্রি, তার মানে হচ্ছে আমি কোনো একটা স্টেটকে কম্পেয়ার করতে যাব না, টোটাল ইন্ডিয়াই হচ্ছে অনেক সুন্দর, অনেক ভেরি বিউটিফুল। ওকে, সো কেরালা নাম্বার ওয়ান ছিল। আমি ফার্স্ট কী ভাবছিলাম বলতো, জম্মু কাশ্মীর হবে নাম্বার ওয়ান, এটা ভাবছিলাম। তো কেরালাও অনেক সুন্দর, স্পেশালি আমি কিছু রিলস দেখি হচ্ছে কেরালার হচ্ছে নারকেল গাছের জন্য সুন্দর, বেশি ফেমাস, এত সুন্দর লাগে চারপাশ, এত ভালো লাগে। আর ওয়েস্ট বাংলা হচ্ছে নাম্বার 10, আমি খুব হ্যাপি কারণ আমার জন্ম হচ্ছে ওয়েস্ট বাংলায়। তো যাই হোক, বাট আমি একজন বাংলাদেশি, এখন আমি বাংলাদেশে বিলং করি। সো আমার ইচ্ছা আছে ইন্ডিয়ায় যাবো, আমি ছোটোবেলায় চলে আসছি বাংলাদেশ, আমার কিচ্ছু মনে না ইন্ডিয়ার বিষয়। তো আমার মামা বাড়ি হচ্ছে ইন্ডিয়া, সো দ্যাটস আমি আবারও যাবো ইন্ডিয়া ঘুরবো। কেদারনাথ যাওয়ার অনেক ইচ্ছা আছে, অযোধ্যা যাওয়ার অনেক ইচ্ছা আছে, জানি না সেটা পসিবল হবে কি না, বাট আমার ইচ্ছা আছে, বৃন্দাবনেও যাবো। তো গাইস কেমন ছিল ভিডিও অবশ্যই কমেন্ট করে জানা, নতুন হলে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। অ্যান্ড অনেক অনেক ভালোবাসা তোমার ফ্যামিলি নিয়ে, তুমি অনেক সুন্দর থাকো, অনেক হ্যাপি থাকো। ওকে, সো নমস্কার বস, লাভ ইউ, বাই বাই।